स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से रिलेटेड लाभ तो हर किसी ने बताया होगा। हर वीडियो आपको बहुत सारी वीडियोस बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड बेनिफिट्स की मिल जाएंगी, लेकिन वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के कुछ नुकसान भी है, जिसमें से टॉप 10 नुकसान आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा चुके हैं या फिर सोच रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया जाए, तो इसके नुकसान भी आपको जान लेने चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर हमारी वीडियो देखने आए हैं तो ज़रूर आपने ये सोच के ही क्लिक किया होगा कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इस बचत योजना के क्या लाभ हैं, और इसके साथ साथ हम आपको आज इसके नुकसान भी बताने वाले हैं। वो भी एक या दो नुकसान नहीं बल्कि 10 नुकसान हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं आगे जानकारी की तरफ। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नुकसान जानेंगे हम। भारत में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सेवानिवृत्त लोगों को कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आइए इसके नुकसानों को आज हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है। इसको शॉर्ट में SCSS भी बोला जाता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भारत में सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है। आगे हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं कि SCSS की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। सबसे पहले इसकी पात्रता की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति SCSS के तहत खाता खोलने के लिए पात्र हैं। 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो सुपर एनुएशन या स्वेच्छता या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजनाओं के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी कुछ शर्तों के अधीन ये खाता खोल सकते हैं। निवेश सीमा की बात करें तो SCSS में खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम राशि 15,00,000 रुपये है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाते में किया गया निवेश 1,000 रुपये के गुणकों में हो सकता है, यानी कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से होता है। अवधि की बात करें तो SCSS की अवधि 5 वर्ष है, जिसे परिपक्वता के बाद अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ब्याज की दर की बात करें तो SCSS पर दी जाने वाली ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और यह अन्य छोटी बचत योजनाओं की दरों से अधिक होती है। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है और यह कर योग्य होता है। समय से पहले निकासी की बात करें तो खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति है। यदि निकासी 2 वर्ष से पहले की जाती है तो जुर्माना लगाया जाएगा और 2 वर्ष के बाद जुर्माना कम हो जाएगा। टैक्स लाभ की बात करें तो SCSS में किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र है, जो प्रति वित्तीय वर्ष 1,50,000 रुपये की सीमा के अधीन है। नामांकन की में आ जाते हैं तो खाताधारक मृत्यु की स्थिति में SCSS खाते की आय प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। ये तो हो गए फायदे, और अब हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के टॉप 10 यानी शीर्ष 10 नुकसान क्या हैं। यहाँ हमने वरिष्ठ बचत नागरिक बचत योजना के शीर्ष 10 नुकसानों के बारे में बताया है, जैसे कि निवेश का सीमित दायरा, कम ब्याज दरें, लॉक इन अवधि आदि। इसको हम डिटेल में जानते हैं। आइए, निवेश की सीमित गुंजाइश। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की जो सीमित अपेक्षाकृत कम यानी 15,00,000 रुपये है, जो अपनी बचत को अधिकतम करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी बात आ जाती है कम ब्याज दरें। SCSS पर दी जाने वाली ब्याज दरें बाजार में उपलब्ध अन्य निवेश योजनाओं की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों को कम रिटर्न मिल सकता है।
तीसरे नंबर पर आ जाता है लॉक इन अवधि। SCSS की लॉक इन अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसका अर्थ है कि वरिष्ठ नागरिक बिना किसी दंड के परिपक्वता तिथि से पहले अपने फंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। शीघ्र निकासी पर जुर्माना, जो वरिष्ठ नागरिक परिपक्वता तिथि से पहले अपनी धनराशि निकालना चाहते हैं उन्हें जमा राशि का 1.5% जुर्माना देना पड़ता है। सीमित तरलता की बात करें तो SCSS तरलता का लचीलापन प्रदान नहीं करती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में वरिष्ठ नागरिक आसानी से अपनी धनराशि नहीं निकाल सकते हैं। टैक्स निहितार्थ यानी कि कर देनदारी होती है। SCSS पर अर्जित ब्याज आयकर कानून के अनुसार कर योग्य है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र रिटर्न कम हो सकता है। मुद्रास्फीति जोखिम, SCSS द्वारा दिए जाने वाला रिटर्न मुद्रास्फीति को मात देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जिससे समय के साथ वरिष्ठ नागरिकों की क्रय शक्ति में कमी आ सकती है। उसके बाद आ जाता है सीमित लचीलापन। वरिष्ठ नागरिक प्रारंभिक निवेश के बाद अपने SCS खाते में अतिरिक्त जमा नहीं कर सकते हैं, जिससे उसकी बचत को अधिकतम करने की क्षमता जो है वो सीमित हो जाती है। संयुक्त खाते का इसमें विकल्प नहीं है, यह भी एक बड़ा नुकसान है। SCSS संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देता है, जिससे उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लचीलापन सीमित हो सकता है जो अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्य के साथ निवेश करना चाहते हैं। उसके बाद संयुक्त खाते का इसमें विकल्प नहीं है, तो वो अपने परिवार के साथ ये खाता नहीं खुलवा सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच, जिन वरिष्ठ नागरिकों की बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच नहीं है उन्हें SCS खाता खोलना और उसका प्रबंधन करना कठिन हो सकता है, तथा निवेश प्रबंधन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष की बात करें शॉर्ट में, तो निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में कुछ नुकसान है, जिस पर निवेश करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। इस योजना द्वारा दी जाने वाली कम ब्याज दरें मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, जिससे समय के साथ बचत के वास्तविक मूल्य में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त 5 साल की लॉक इन अवधि आपातकालीन स्थिति में धन तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकती है। इन सबको साइड में रखते हुए अगर आप बचत कर से खाता ये खुलवाना चाहते हैं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का खाता, तो आप खुलवा सकते हैं, लेकिन कुछ नुकसानों को भी आप ध्यान में जरूर रखें। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको फायदेमंद लगी होगी, और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।